हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। दिस इज़ ज्योति वर्मा और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में जनरल कैरेक्टर्स, एफिनिटीज़, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड एंड लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डिस्कस कर चुके हैं अब तक। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे आज बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इससे ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टॉपिक के। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स जो है वो कई फील्ड्स में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड की। जैसा कि आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो है हमारे हैं वो ट्रीज़ के फॉर्म में हैं, तो उनकी वुड किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं हम उसे पहले देख लेते हैं। और कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी वुड से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वुड की, तो वुड में हमारा एबीज एल्बा है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन जनरल कारपेंट्री। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग साउंड बोर्ड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो एबीज एल्बा इज़ अ जिम्नोस्पर्म दैट्स वुड इज़ बेसिकली यूज्ड इन कारपेंट्री एंड मेकिंग साउंड बोर्ड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज़ द एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉरी पाइन, एंड इट इज़ द चीफ टिम्बर ट्री ऑफ द न्यूजीलैंड। इट रैंक्स अमोंग द लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ बेसिकली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बोट्स एंड वुडन मशीनरी। एगैथिस ऑस्ट्रेलिस को हम कॉरी पाइन भी कहते हैं। ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा टिम्बर ट्री है और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिम्बर ट्रीज़ जो हैं उनकी रैंक में सबसे आगे है। इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, बोर्ड्स के कंस्ट्रक्शन में और वुडन मशीनरीज़ के कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ द सेड्रस देवदारा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिम्बर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इट इज़ कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग द इंडियन कॉनिफेरस वुड्स। द सीजनड वुड इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डोर्स, बीम्स, फर्नीचर, बोर्ड्स एंड फ्लोरिंग। अगर हम बात करें इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है जिसकी वुड बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेड्रस देवदारा, जिसे हम देवदार का पेड़ भी कहते हैं। इसकी जो वुड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉनिफेरस वुड है और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है क्योंकि इससे एक स्पेशल टाइप का ऑयल सेक्रेट होता है जो कि इंसेक्ट को रेपेल करता है। इसका यूज़ हम लोग डोर्स, बीम्स, फर्नीचर, बोट और फ्लोरिंग में करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सिकोया सिंपरवायरेंस, विच इज़ कॉल्ड एज द कैलिफोर्नियन रेड वुड। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दैट इन अवर प्रीवियस वीडियो ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इट यील्ड्स अ लाइट नॉन रेजिनस रेडिश ब्राउन एंड ड्यूरेबल वुड दैट इज़ यूज इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स एंड पोल्स। सिकोया सिंपरवायरेंस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, ये एक नॉन रेजिनस, इससे रेजिन प्रोड्यूस नहीं होता है, रेडिश ब्राउन और ड्यूरेबल वुड इसकी होती है जो कि रेलवे स्लीपर्स और पोल्स में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ द टैक्सस बेकाटा, वुड इज़ वेरी ड्यूरेबल, ऑयली, और दिस वुड इज़ इन द पास्ट वॉज यूज इन मेकिंग बोज and it is still being used in archery. So the wood of Texas Bacata is very important from archery because it is used in that field and in the old times or in the past times it was used in making bows also. So Texas Bacata ki wood bhi bahut important hai kyunki ye archery mein use hoti hai
बोज बनाने के लिए यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रेजिन की है। सो ये जो हमारे प्लांट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी वुड इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम्स में लिखना हो तो किस तरीके से लिखें, वो बताने के लिए मैंने सिर्फ 5 ही जिम्नोस्पर्म्स के नाम लिए हैं। सो इसमें क्या है, एबीज एल्बा, एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, सेड्रस देवदारा, सिकोया सिंपरवायरेंस एंड टैक्सस प्रकाटा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिन। हमें जिम्नोस्पर्म से रेजिन भी प्राप्त होता है। सो रेजिन आर प्लांट एग्जिबिट्स विच मेक द वुड रेजिस्टेंट टू डीके। रेजिन ऐसे प्लांट एग्जिबिट्स हैं, यानी प्लांट से निकलने वाले सब्सटेंसेस हैं जो कि वुड को ख़राब होने से बचाते हैं। These are insoluble in water. Water में insoluble होते हैं, लेकिन organic solvents में soluble होते हैं। The superior grade resin is used in varnishes, plasters, medicines and ointment. So ये जो gymnosperm से resin निकलता है, इसका इस्तेमाल varnish, medicine, ointment और plasters में किया जाता है। और जो inferior grade यानी जो लो क्वालिटी का रेजिन होता है, उसे सोप, प्रिंटिंग इंक, ऑयल और ग्रीस में यूज़ किया जाता है। सो रेजिन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो इन्फीरियर ग्रेड का रेजिन है, वो इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स और शू पॉलिश में भी यूज़ किया जाता है। अब रेजिन्स के टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के रेजिन्स हैं जो जिम्नोस्पर्म से हमें मिलते हैं। पहला है रोजिन। सो द पाइन ट्री yields अ सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज ओलियो रेजिन। इट कंटेन्स रोजिन एंड एसेंशियल ऑयल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पाइन गम और टर्पेंटाइन। This oleoresin was used to smear mummies by ancient Egyptians. So it was of huge economic importance in the earlier time also. USA is the largest producer of turpentine and the important species are Pinus pinaster, Pinus roxburghii, Pinus valgiana. Picea abies yield burgundy pitch which is purified resin. The resin from Picea abies is used in varnishes and plasters. So rosin एक तरीके का chemical substance है जो coniferous plant से निकलता है, जिसमें अगर हम essential oil, rosin और essential oil का जो combination है, उसे हम oleoresin कहते हैं। और ये जो oleoresin है, ये ancient time में जो Egyptians हैं, वो जो mummies बनाते थे, उनको में भी use करते थे इस rosin का। USA जो है, वो largest producer है turpentine का, और जो important species है, जिनसे हमें rosin मिल सकता है, वो है Pinus pinaster, Pinus roxburghii, Pinus valgiana। इसके अलावा जो Picea abies है, उससे जो रेजिन निकलता है, उसका इस्तेमाल वार्निशेस और प्लास्टर्स में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिन इज कोपल। सो द कोपल बिलोंग टू ग्रुप ऑफ हार्ड रेजिन्स विच कंटेन ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ लिविंग एंड द फॉसिल ट्रीज। एगैथिस ऑस्ट्रेलिस यील्ड्स कॉरी कोपल and the copal is used in preparation of varnishes, plastics, waterproofing compounds, printing inks and it is also mixed to make candles also. Fresh resin from Araucaria araucana is remedy for wounds. So copal एक हमारा hard resin है, जिसमें essential oil का amount बहुत कम होता है। इसके अलावा हमें जो एगैथिस ऑस्ट्रेलिस जो जिम्नोस्पर्म है, उससे हमें कॉरी कोपल मिलता है। कोपल का इस्तेमाल मेनली वार्निशेस, प्लास्टिक्स, वाटरप्रूफिंग कंपाउंड्स, प्रिंटिंग इंक्स और कैंडल्स में किया जाता है। अराउकेरिया अराउकाना से जो हमें कोपल मिलता है, वो वाउंड्स में यूज़ होता है बेसिकली। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो रेजिन है, वो है सैंडार्क। Hard resin obtained as pale yellow or orange colored exudate which is used as a metal varnish and leather varnish. So sandark भी हमारा एक तरीके का hard resin है, जो कि orange या yellow color में होता है, जिसे metal varnish या leather varnish में use किया जाता है। Next type of resin is Canada balsam, which is most familiar of the resin that you are using in your practical examinations, usually in zoology and botany for mounting slides.
सो कैनाडा बाल्सम इज बेसिकली अ रेजिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबीज बाल्समिया. इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरिंग टू दैट ऑफ ग्लास. So it is most preferred mounting medium for microscopic objects. As you all know about it very well, that it is used as a mounting medium in microscopic objects. Other types of gymnosperms that yield very small quantity of Canada balsam is Pseudotsuga taxifolia and Tsuga canadensis. Yield Canada balsam in very small quantities. सो अगर हम कनाडा बालसम की बात करें तो कनाडा बालसम के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. आप सब लोग अपने बीएससी और एमएससी प्रैक्टिकल्स में इसका बहुत यूज़ करते हैं. स्लाइड्स पे कनाडा बालसम की ड्रॉप डालते हैं और उसके बाद जो आपने सेक्शन कटिंग की होती है उसको रखते हैं और कवर स्लिप रखते हैं. सो ये कनाडा बालसम बेसिकली एक माउंटिंग मीडियम की तरह आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में यूज़ करते होंगे. सो कनाडा बालसम आता कहाँ से है? कनाडा बालसम जिम्नोस्पर्म से आता है, जिसमें कि मेन आपका है एबीज बाल्समिया, उससे ही इस कनाडा बाल्सम मिलता है. और इसके अलावा जो अदर जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे कि Pseudotsuga taxifolia और Tsuga canadensis, इनसे भी हमें कनाडा बाल्सम मिलता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में. नेक्स्ट जो हमारा रेजिन है वो है एम्बर. एम्बर को हम लोग फॉसिल रेजिन भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ सेक्रेटेड बाई नाउ एक्सटेंट पाइन पाइनस ससिनीफेरा. जो अभी एक्सटेंट हो चुका है पाइनस ससिनीफेरा, उससे ये रिलीज होता है. सो इट अकर्स इन ब्लू अर्थ नियर ईस्टर्न शोर ऑफ म्यांमार. एम्बर इज बेसिकली येलो ब्राउन टू ब्लैक, हार्ड ब्रिटल विथ एरोमेटिक ऑर्डर. इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग. इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड एक्सरे थेरेपी. It is reported that blood does not coagulate when kept in amber vessel. So it is very interesting point for all of you that when blood is kept in amber containers, then it will not clot. Fossilized amber that occasionally included plants and animals greatly aided in later classification. So amber भी एक तरीके का fossil resin है जो कि अभी extinct हो चुके pinus ससिनीफेरा से obtain होता है. ये normally म्यांमार में पाया जाता है पाइनस ससिनीफेरा. उसके बाद जो हमारा एम्बर है वो येलो ब्राउन और ब्लैक इन कलर होता है. इसका इस्तेमाल मेडिसिन और एक्सरे थेरेपी में किया जाता है. और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि जो एम्बर से बने हुए कंटेनर होते हैं उनमें रखा हुआ ब्लड कोगुलेट नहीं करता है. और जो हमारा फॉसिलाइज्ड एम्बर है उसमें कभी कभी आपको प्लांट और एनिमल के फॉसिल भी मिल जाते हैं, जिनकी स्टडी के बाद ही क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ. डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया. सो एम्बर इस व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है एसेंशियल ऑयल्स की, जो कि हमें कॉनिफर से मिलती है. जितने भी कॉनिफर्स रेजिन सेक्रेट करते हैं उनसे हमें एसेंशियल ऑयल भी मिलता है. सो एसेंशियल ऑयल्स आर बेसिकली यूज्ड इन रूम स्प्रेज, बाथ सॉल्ट्स, डिओड्रेंट्स और सिड्रस देवदारा, विच इज़ एन सिड्रस देवदारा ऑयल इन इंडिया इज़ कॉमनली यूज इन परफ्यूमरी एंड सेंटिंग सोप्स. सो सिड्रस देवदारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म दैट ईल्ड्स एन एसेंशियल ऑयल विच इज़ यूज इन परफ्यूम्स एंड सोप्स. नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर. सो फ्रॉम जिम्नोस्पर्म वी गेट पेपर बिकॉज न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द कॉनिफर पल्प. So from the pulp of these gymnosperms, paper is manufactured and newspaper industry is largely based on this conifer pulp. Superior quality of writing and printing paper is obtained from Picea, Tsuga and Abies. Picea produces the best quality of pulp in India. Picea smithiana, this is Picea, Picea smithiana and Pinus roxburghii provide excellent quality pulp.
सो जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं उनका जो पल्प है उससे पेपर भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें कि मेन पाइसिया सुगा और एबीज हैं। पाइसिया से हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ पल्प मिलता है। इसके अलावा पाइसिया स्मिथियाना और पाइनस रॉक्स बर्जाई से भी हमें एक्सीलेंट क्वालिटी पल्प मिलता है, जो कि इंडिया में पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एज फूड यूज़ होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये स्टेम जो कि स्टार्च में रिच है, सागो, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई और साइकस रेवोलूटा की। सो इट इज़ रिच इन स्टार्च, कॉल्ड एज द सागो। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फूड। देन पिथ ऑफ इंसेफेलाटोज स्टेम इज यूज इन कैफीर ब्रेड। पाइनस जिराल्डियाना विच इज़ कॉल्ड एज द चिलगोजा पाइन, इट्स सीड्स आर रोस्टेड एंड ईटन। द सीड्स ऑफ अराउकेरिया अराउकाना एंड जिनको बाइलोबा रोस्टेड एंड यूज एज फूड इन जापान। सो जिम्नोस्पर्म्स को हम एज फूड भी यूज़ करते हैं। कहाँ पे? जो हमारा स्टेम है जिम्नोस्पर्म्स की वो स्टार्च में रिच होती है, जिसे हमें सागो मिलता है, और उसका यूज़ हम लोग एज फूड करते हैं। कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स में ये पाया जाता है? साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई और साइकस रेवोलूटा। इनसे फेलेरोटोस की जो पिथ होती है उसका इस्तेमाल कैफीर ब्रेड को बनाने में किया जाता है। पाइनस जिराल्डियाना, जिसे हम चिलगोजा पाइन भी कहते हैं, उसकी सीड्स को रोस्ट किया जाता है और उसे फूड की तरह यूज़ भी किया जाता है। अराउकेरिया अराउकाना की सीड्स और जिनको बाइलोबा की सीड्स को भी एज फूड जापान में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म पॉइजनस भी होते हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है कि साइकेड की लीफ और कर्नल्स इरिटेंट हैं अगर वो फीड किए जाएँ तो, और डिसीज़ इन कैटल बाई ईटिंग मैक्रोजैमिया लीव्स। मैक्रोजैमिया लीव्स को खाने से कैटल में डिसीज़ भी रिपोर्ट की गई है। सो ये भी जिम्नोस्पर्म्स कुछ पॉइजनस भी होते हैं। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स को डेकोरेशन में बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि बॉन्जाई प्लांट्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और जिंको भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो पाइनस के कोन्स होते हैं उनको भी डेकोरेशन के लिए रखा जाता है घरों में। टैनिंस विच इज़ यूज इन डाई एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनसे ड्रग्स भी प्राप्त होता है, जैसे कि इफेड्रा के केस में इफेड्रिन, जो कि कफ में यूज़ होता है। जिंको बाइलोबा के केस में जो एक्सट्रैक्ट मिलता है वो सेरिब्रल इनसफिशियंसी में यूज़ होता है। टैक्सस बकाटा की लीव्स का इस्तेमाल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, और टैक्सस और सिफेलोटैक्सस का इस्तेमाल एंटी कैंसरस सब्सटेंस में होता है। सो ये थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।